तो लॉर्ड ऑफ प्लैनेट के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वह ब्लैक सोल फैंग को बहुत सारे हब्स का नाम बताता है, जिन हब्स का नाम सुनकर फैंग काफी परेशान हो जाता है और वह बोलता है कि इन हब्स का तो मैंने नाम तक नहीं सुना था। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फैंग को देखते हैं जो अपने बेड पर बहुत ही आराम से सो रहा था, लेकिन तभी वहां पर किन आती है जो उसे उठाने लगती है, पर फैंग उसका हाथ पकड़कर अपने बेड पर खींच लेता है, जिस पर किन काफी गुस्सा हो जाती है और वह उसे किक कर देती है, जिससे फैंग एक टेबल पर जा लड़ता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है। जिसके बाद फैंग किन से पूछता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो, जिस पर किन बोलती है कि यह सब बताने का मेरे पास टाइम नहीं है, और वह फैंग को लेकर वहां से चली जाती है। और वह अपने बीच रास्ते में फैंग को बताती है कि वह जेट डिस्क्रीन कंपटीशन आज ही होने वाला है। जिसके बाद जब वो आगे बढ़ रहे थे तभी फैंग देखता है कि उसके दोस्त को एक बंदा मार रहा था और इस बंदे का नाम जिंग होता है। इस पर फैंग का दोस्त बोलता है कि तुमने मुझे चीटिंग करके हराया है और तुम एक चीटर हो, जिस पर जिंग उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, जिस पर फैंग जिंग के हाथ को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है जिससे जिंग को काफ़ी दर्द होने लगता है। जिसके बाद एक बंदा फैंग के गले पर अपनी स्वॉर्ड रख देता है और वह फैंग को जिंग को छोड़ने के लिए कहता है, जिस पर फैंग उसे छोड़ देता है, जिस पर जिंग बोलता है कि भाई आप आ गए हैं, और यहाँ पर इस बंदे का नाम सियान होता है। जिसके बाद जिंग सियान को कहने लगता है कि यह दोनों मिलकर मुझे बुली कर रहे थे। जिसके बाद जब फैंग सियान के राइट हैंड पर देखता है तो उसे वहाँ पर एक तिल नजर आता है, जैसे उसे जनरल सियान ने बताया था, जिसे देख सियान तुरंत ही अपने राइट हैंड को पीछे छुपा लेता है और वह अपने भाई जिंग के साथ वहाँ से जाने लगता है। जिस पर फैंग जिंग को एक जेट डिस्क्रीन मैच के लिए चैलेंज कर देता है, जहाँ पर शुरू में तो जिंग फैंग के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन किन के कहने पर उसे उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जिसके बाद फैंग अपना तीन मिस्ट्री जेट निकालता है और वह एक एक करके उन तीनों जेट को ओपन करता है, जिसमें से पहले वाले में से एक स्प्रिट एलेक्सर निकलता है जो बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है, और दूसरे जेट से फ्लेयर स्टोन निकलता है, और तीसरे जेट से एक लेजेंडरी आइसेट जेट निकलता है, जिसे देख जिंग और उसके भाई जियान हैरान हो जाते हैं। और सियान बोलता है कि यहाँ पर फैंग ने जरूरी चीटिंग किया है, जिसके साथ ही वह फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर फैंग भी अपने ब्लड ब्लेड से उस पर अटैक कर देता है। जहाँ देखते हैं कि उन दोनों के वेपन के टकराने से काफी पावरफुल फोर्स निकलता है, जिससे वह दोनों पीछे आ जाते हैं। जिसके बाद जब फैंग आगे बढ़ता है तो उसके अंकल आ जाते हैं, जिनका नाम होता है अंकल फू, जो उसे कहते हैं कि तुम रुक जाओ, मैं इसे देख लूंगा, और वह सियान पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। जहाँ देखते हैं कि वह सियान के सारे अटैक को बहुत ही आसानी से डॉच कर ले रहे थे, और जब वो उस पर अटैक करने जा रहे थे तभी वहाँ पर सियान के फादर आ जाते हैं, जो अंकल फू को रोक देते हैं और वह उन्हें पीछे भेज देते हैं। जिसके बाद सियान के फादर फैंग से माफ़ी मांगने लगते हैं और वह बोलते हैं कि मेरे बेटों से यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो गई, इसलिए आप उसे माफ़ कर दीजिए, जिस पर फैंग बोलता है ठीक है, और वह वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमारा सीन सियाओ पर शिफ्ट होता है, जो एक सूप को पी रही थी, लेकिन तभी उसे फील होता है कि उसके आसपास कोई है, जिस पर वो चेक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है, जिसके बेहोश होने के बाद वहाँ एक किडनैपर आता है जो उसे वहाँ से किडनैप कर लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि उस सूप में जरूरी बेहोश करने वाला दवा मिला हुआ था। जिसके बाद वह किडनैपर सियाओ को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है और वह वहाँ से जाने लगता है, जो ये सब करते हुए वहाँ उसे एक लड़की देख लेती है जिसका नाम होता है प्रिंसेस सुई। जिसके बाद हमारा सीन फैंग और किन पर शिफ्ट होता है, जो जेट कॉम्पिटिशन वाले जगह पर पहुँच चुके थे, लेकिन तभी वहाँ पर अंकल फू आते हैं और वह फैंग को बताते हैं कि यहाँ पर सियाओ को किसी ने किडनैप कर लिया है और उसने वहाँ पर एक नोट छोड़ा है, जिसमें उसने उस जगह का पता लिखा है जहाँ पर सियाओ है, जिस पर फैंग तुरंत ही वहाँ के लिए निकल जाता है। जिसके बाद जब फैंग वहाँ पर पहुँच जाता है तो वह सियाओ को बंदी बने हुए देखता है, जिस पर वह उसकी रस्सियों को खोलने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह किडनैपर वहीं पर होता है और वह कहने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे, और वह किडनैपर बोलता है कि मुझे पूरा यकीन है कि मैंने जो दो बंदे तुम्हारे दोस्त के पीछे लगाए थे उन्हें तुमने ही मार दिया है, जिस पर फैंग बोलता है कि हाँ मैंने उन्हें मारा है, और उनकी बात हो ही रही थी तभी उस किडनैपर पे एक स्लैश अटैक आता है, जिसे देख वह किडनैपर अपनी शॉट से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद हमें प्रिंसेस सुई दिखाई जाती है, जो उस किडनैपर से बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम दिन दहाड़े एक औरत को किडनैप करो। जिसके बाद वह दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि प्रिंसेस सुई उस किडनैपर पे एक स्लैश अटैक करती है, जिस अटैक को देख वह किडनैपर समझ जाता है कि यहाँ पर प्रिंसेस सुई काफी स्ट्रांग है और उनकी अटैकिंग पावर काफ़ी अच्छी है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि प्रिंसेस सुई के पास आइस की पावर होती है, जिससे वह उसके किडनैपर की नाइफ को जमा देती है, जिस पर वो गुस्सा होकर प्रिंसेस सुई पर अपने ब्लेड से अटैक कर देता है, जिसे देख प्रिंसेस सुई तुरंत ही उन ब्लेड को अपने शॉट से डिस्ट्रॉय करने लगती हैं, लेकिन तभी एक ब्लेड उनको हिट करने वाला था, जिसे देख फैंग तुरंत ही अपनी पावर से उस ब्लेड का डायरेक्शन को चेंज कर देता है, जिससे प्रिंसेस सुई बच जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह किडनैपर अपने आप ही जमीन पर जा गिरता है और वह मर जाता है, जिसे देख प्रिंसेस सुई बोलती है कि मैंने इसे कुछ नहीं किया, ये अपने आप ही मर गया,
जिस पर जब फैंग उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उस किडनैपर को किसी ने पॉइजन दिया है और वह यहाँ पे पॉइजन के कारण मारा गया है। जिसके बाद प्रिंसेस हुई फैंग को बताती है कि मैंने जेट स्क्रीनिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है और मैं उसके लिए लेट हो रही हूँ। जिस पर फैंग बोलता है कि मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है। जिसके बाद वह दोनों एक साथ वहाँ के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद जब वह उस कॉम्पिटिशन वाली जगह पर पहुँच जाते हैं तो किन प्रिंसेस सुई को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसने प्रिंसेस के बारे में काफ़ी चीज़ सुन रखा था कि वह एक बहुत बड़ी जीनियस है। जिसके बाद वह ग्रीन हाउस वाला बंदा आता है जो फैंग की ब्लड ब्लेड के बारे में तारीफ कर रहा था, जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जिसका नाम ली होता है, जो एक बंदे जिसका नाम ही होता है उसके साथ रहता है। जिसके बाद ली प्रिंसेस सुई को कहता है कि आपको अकेले ऐसे नहीं घूमना चाहिए, यहाँ पर आपके आसपास काफ़ी बुरे लोग हैं। और वह फैंग को देखकर ये सब बोल रहा था, जिस पर फैंग उस पर गुस्सा हो जाता है और वह बोलता है कि तुम ये किसे कह रहे हो, जिनके लड़ाई को प्रिंसेस हुई शांत कर देती है। जिसके बाद वहाँ एक बंदा आता है जो बोलता है कि जेट डिस्क्रीनिंग मैच स्टार्ट हो गया है, जिस पर ली वहाँ से चला जाता है और फैंग किन और प्रिंसेस हुई उस मैच के लिए चले जाते हैं। जहाँ जब वो उस कॉम्पिटिशन वाले एरिया में पहुँचते हैं तो उस जेट डिस्क्रीन कॉम्पिटिशन का कंट्रोलर उन्हें बताता है कि यहाँ पर आप काफ़ी लेट हो गए हैं, तो मैं आपको रूल समझा दूँ कि यहाँ पर रखे हुए किसी भी एक जेट को आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं और उसमें से अगर आपने अर्थ फ्रूट निकाल दिया तो आप इस कंपटीशन को जीत जाएंगी। जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो उन टेबल पे रखे हुए जेट को देखकर बोलता है कि यह जेट मुझे काफी अजीब लग रहे हैं और मुझे यहाँ पर इनमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। जिस पर प्रिंसेस हुई बोलती है अच्छा रुको मैं चेक करती हूँ, और वह एक एक करके उन सारे जेट को चेक करने लगती है। जिसके बाद वह बताती है कि इन सारे जेट में से किसी भी जेट में अर्थ फ्रूट नहीं है। जिस पर किन एक एक करके उन मिस्ट्री जेट को ओपन करने लगती है जिनमें से किसी में भी अर्थ फ्रूट नहीं निकलता है। जिसके बाद किन बोलती है कि इन जेट में तो अर्थ फ्रूट है ही नहीं। जिस पर हम ही को देखते हैं जो अपने पास रखा हुआ एक जेट को निकालता है और वह जब उसे ओपन करता है तो उसके अंदर से अर्थ फ्रूट निकलता है। जिस पर किन गुस्सा हो जाती है और वह बोलते हैं कि आप लोग यहाँ पर बहुत बड़े चीटर हैं और ये कॉम्पिटिशन तो एक स्कैम है। जिस पर वह जेट डिस्क्रीन कॉम्पिटिशन का कंट्रोलर कहने लगता है कि यहाँ पर जितने भी जेट हैं आप उनमें से किसी एक को ओपन कर सकती हैं, और यहाँ पर मैंने ये नहीं बोला था कि इस टेबल के अलावा कहीं और जेट नहीं हो सकता। पर किन और प्रिंसेस हुई उन पर गुस्सा होने लगती हैं, जिनके मैटर को शांत कराते हुए फैंग बोलता है कि जैसे आपने बोला कि वह जेट कहीं भी हो सकता है। पर फैंग वहां पर रखे एक वास को अपने हाथ से डिस्ट्रॉय कर उसके अंदर से अर्थ फ्रूट निकालता है, जिस पर वह कंट्रोलर बोलता है कि यह वास काफी महंगा था। जिसके बाद फैंग किन और प्रिंसेस हुई वहां से जाने लगते हैं, जिस पर फैंग बोलता है कि मुझे यहां पर कुछ और काम है, और फैंग वहीं पर रुक जाता है। जिसके बाद जब प्रिंसेस हुई और किन वहां से जा रही थी तो प्रिंसेस हुई को वो लोग काफी अजीब लग रहे थे। जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो ट्रेजर हाउस में आ चुका था और वह वहाँ पर एक बहुत ही बड़े जेट को देखता है जिसके अंदर एक आर्मर होता है, और वहाँ पर बहुत लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस जेट को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसे कोई ओपन नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद हम ही को देखते हैं जो फैंग को कहता है कि तुम इस जेट को कभी भी अपने पावर से ओपन नहीं कर पाओगे, तो क्यों ना तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर फैंग बोलता है कि आप ही क्यों नहीं चले जाते हैं, जिस पर ही को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह फैंग पर पीछे से एक बहुत ही पावरफुल पंच से अटैक कर देते हैं। जिस पर वह ब्लैक सोल फैंग को बता देता है कि तुम्हारे पीछे से एक बंदा अटैक कर रहा है, जिस पर फैंग भी अपने पंच से ही के पंच पर दे मारता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर ही काफ़ी पावरफुल था जिसके कारण फैंग पीछे चला जाता है, जिस पर ही बोलता है कि तुम मेरे एक पंच से बच गए तो क्या हुआ, और अब तुम मेरे इस पंच से बच कर दिखाओ। और वह फैंग पर एक और पंच से अटैक कर देता है, लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर मास्टर टाव आ जाते हैं जो ही पर अटैक करके उसे पीछे भेज देते हैं, जिससे ही काफ़ी घायल हो जाता है। जिसके बाद में मास्टर टाव को दिखाया जाता है जहाँ पर वह उन लोगों को बता रहे थे कि जो भी इस जेट के अंदर से उस आर्मर को बाहर निकालेगा उसे इस जेट स्क्रीन कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्लेस मिलेगा। जिसके साथ ही उस बंदे को यहाँ पर किसी भी तीन ट्रेजर को चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा, और मैं पर्सनली उस बंदे को खुद एक 50% डिस्काउंट कार्ड दूंगा जिससे वह इस ट्रेजर हाउस के सभी चीज़ों को 50% रेट पर खरीद सकता है। जिस पर वहाँ के लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और वह उस जेट को ओपन करने की कोशिश करने लगते हैं। जिसके बाद मास्टर टाव फैंग के पास आते हैं और वह उसे कहते हैं कि पिछली बार से तुम्हारा रैलम काफ़ी हाई हो गया है। जिस पर फैंग बोलता है कि हाँ इसके लिए मैंने बहुत ही मेहनत की है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग की तबीयत अचानक से ख़राब होने लगती है, जिस पर मास्टर टाव तुरंत ही उसके विंग्स को चेक करते हैं, जिस पर वह चेक करके फैंग को बताते हैं कि यहाँ पर ही का पंच काफ़ी पावरफुल था लेकिन तुम उससे हिट हो जाने के बावजूद भी तुम्हें कोई भी इंजरी नहीं आई है। जिस पर फैंग बोलता है कि यहाँ पर मैं काफ़ी लक्की हूँ जिसके कारण मुझे कोई इंजरी नहीं आई। जिस पर मास्टर टाव उसे 3 सोल पिल देते हैं, जिसे देख फैंग तुरंत ही उन 3 सोल पिल को एक ही साथ खा जाता है। जिसे देख मास्टर टाव बोलते हैं कि ये तीनों एक साथ नहीं खानी थी, जिससे हम देखते हैं कि फैंग के बॉडी से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है और फैंग को यहाँ पर काफ़ी पेन होने लगता है।
जिसके बाद हम उस ब्लैक सोल को देखते हैं जो कहता है कि मैं इतनी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाऊंगा, और वह फैंग को कहने लगता है कि तुम्हें इस एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर कंप्रेस करना होगा। जिसके साथ ही हम फैंग के माइंड वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि फैंग अपने चाइल्डहुड फॉर्म में आ चुका था, जहाँ पर वह ब्लैक सोल आता है और वह उस छोटे फैंग को कहता है कि यहाँ पर तुम्हें कल्टीवेशन करके उस एक्स्ट्रा एनर्जी को जो उस पिल खाने की वजह से आई है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। जिस पर वह छोटा फैंग ऐसा ही करता है और वह उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे हम देखते हैं कि फैंग की बॉडी से काफ़ी पावरफुल ऑरा बाहर आने लगता है। और फाइनली फैंग कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद उस एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर कंप्रेस कर लेता है। जिसके बाद हम उस जेट के आर्मर को देखते हैं, जहाँ पर उस आर्मर का गार्डियन एक्टिवेट हो जाता है, और उसका गार्डियन यहाँ पर एक वाइट टाइगर होता है, जिसके गार्डियन के जागते ही उस ट्रेजर हाउस में भूकंप सा आ जाता है, जिससे वहाँ के लोग उस ट्रेजर हाउस से बाहर भागने लगते हैं। जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं जिसे होश आ चुका था और वह उस जेट की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर वह ब्लैक सोल फैंग को बताता है कि यह आर्मर काफ़ी हाई क्वालिटी का है और यह कम से कम 10,000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। जिसके बाद फैंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ कर उस जेट को ओपन करने लगता है, जहाँ पर जब वो उस जेट को ओपन करता है तो उसके साथ तो वहाँ पर वो वाइट टाइगर आता है जो काफ़ी पावरफुल था और वो काफ़ी गुस्से में था, जिसके साथ ही वो वाइट टाइगर फैंग पर अटैक कर देता है, जिसे देख फैंग उसके अटैक को डॉच कर उसे दौड़ाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग अपनी पावर बढ़ाकर उस टाइगर को बहुत बार हिट करता है, जिससे वह कुछ देर बाद उसके कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो वाइट टाइगर उस ब्लैक सोल को देखता है तो वह काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वह उस पर दहाड़ने लगता है। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं बहुत ही जल्द अपलोड करूँगा।